नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिमुलेक्स कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये डाबर कंपनी का है स्टिमुलेक्स कैप्सूल। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, बताएंगे इसकी क्या डोजेस हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके MRP है दोस्तों, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। तो उसी तरीके के सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। और बताएंगे दोस्तों ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियों से मिलकर इस कैप्सूल को बनाया गया है। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बात करते हैं दोस्तों स्टिमुलेक्स कैप्सूल के बारे में। दोस्तों डाबर कंपनी का ये कैप्सूल आता है मार्केट में। पैकेजिंग की बात करें तो 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप आती है दोस्तों, आप देख सकते हैं रेड कलर के कैप्सूल हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों स्टिमुलेक्स कैप्सूल। MRP की दोस्तों बात करें तो लगभग 160 रुपये के आपको ये 10 कैप्सूल ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। ये कैप्सूल आप किसी भी मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। दोस्तों बात करते हैं स्टिमुलेक्स कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे मिलकर स्टिमुलेक्स कैप्सूल को बनाया गया है। कंपोजिशन की दोस्तों बात करें तो इसमें शुद्ध शिलाजित है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है दोस्तों, कुमकुमा है, लवंगा है दोस्तों, जायफल है, शुंठी है, ऐसे ही काफ़ी सारी जड़ी बूटियों से मिलकर स्टिमुलेक्स कैप्सूल को बनाया गया है। दोस्तों ये थी इसके कंपोजिशन के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको दी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट की कि क्या इसके यूजेस हैं। यूजेस की दोस्तों बात करें तो जिन पुरुषों में स्टेमिना की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है दोस्तों, विटिलिटी की दोस्तों कमी होती है, इनफर्टिलिटी होती है दोस्तों, उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों इस स्टिमुलेक्स कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। स्पर्म काउंट को दोस्तों बढ़ाता है, स्पर्म काउंट की क्वालिटी को दोस्तों इंक्रीज़ करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को दोस्तों बढ़ाता है, लिबिडो भी दोस्तों काम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है दोस्तों, यौन शक्ति को दोस्तों बढ़ाता है, अंदरूनी जो कमियाँ होती हैं उसको दूर करता है दोस्तों, और जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, वो भी दोस्तों इस कैप्सूल को ले सकते हैं। दोस्तों ये थी स्टिमुलेक्स कैप्सूल के बारे में जानकारी। डोजेस की बात करें दोस्तों तो इस कैप्सूल को आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ले सकते हैं। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कैप्सूल ना लें। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इस कैप्सूल के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हर्बल है, आयुर्वेदिक। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इतनी जानकारी स्टिमुलेक्स कैप्सूल के बारे में जो कि मैंने आपको दी। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।